हेलो फ्रेंड, वेलकम इन नो नर्सिंग अकेडमी। मैं अनिल कांटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे ओबीजी के बारे में। इसमें हम फर्स्ट जो भी वीडियो शुरू करेंगे वो करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, हम गायनेकोलॉजी का पार्ट लेंगे। इसमें हम देखेंगे जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एनाटोमी के बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखिए। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स में देखिए, यह मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी प्रेगनेंसी है, पार्टोरेशन है और प्रिपेरियम पीरियड है, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी यानी जब भी लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके बारे में, पार्टोरेशन जो भी लेबर की प्रोसेस है उसके बारे में, और प्रिपेरियम यानी जो भी पोस्ट पार्टम का पीरियड है, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्स्टेट्रिक्स है उसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखिए गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर जो भी होने वाली प्रॉब्लम है उसके अध्ययन हम किसमें करेंगे, गायनेकोलॉजी में। इसमें नेक्स्ट देखिए मिडवाइफ। मिडवाइफ किसे कहते हैं, कई बार आपने नाम सुना होगा। तो एक मिडवाइफ क्या होती है, एक मिडवाइफ एक ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल होती है। ठीक है, क्या होती है, ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल होती है, जो वुमन की लेबर में और डिलीवरी और उसके बेबी के बर्थ के बाद की क्या करती है, सहायता करती है। तो जो भी वुमन है उसकी जो बेबी है उसकी डिलीवरी कराने में क्या करती है, वो असिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो किसमें करते हैं, हम वो करते हैं एंड्रोलॉजी। ये बेसिक जो भी टर्म्स है, जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब इसमें हम देखेंगे जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके बारे में। तो इसमें हम शॉर्ट रिव्यू में पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ेंगे। इसमें देखिए एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है उसके बारे में देखेंगे। तो जिसमें क्या था, जिसे हम क्या बोलते हैं, वुल्वा। जो भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है हम उसको वुल्वा नाम से जानते हैं, या फिर ये क्या है, प्यूटेंडम। ठीक, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें हम देखेंगे, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले हम बात करेंगे मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। इसमें देखिए ये क्या है, पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू जो प्यूबिस के सामने की तरफ होता है। अब ये कहाँ पे होता है, ये जो भी डायग्राम है इसमें देखना, ये वाला एरिया ये क्या है, ये है मॉन्स प्यूबिस। जो भी इसके ऊपर आपको ये हेयर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये है प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर, ये क्या है, प्यूबिक हेयर। और ये वाला एरिया क्या है, मॉन्स प्यूबिस। ये किससे मिलके बना होता है, जो भी सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू है उनसे मिलके बना होता है। और देखिए इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये उसके सामने होता है। ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, मॉन्स प्यूबिस। ये वाला एरिया कौन सा है, मॉन्स प्यूबिस। जो इस पे हेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखिए लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा किसे कहते हैं, लेबिया मेजोरा ये क्या है, लार्जर आउटर फोर्स है ऑफ द वुल्वा। जो भी वुल्वा है ये उसका आउटर लार्जर फोर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो भी लेबिया मेजोरा है वो कहाँ पे है, इसमें देखिए एक बार। हाँ, अब देखिए जो ये वाला एरिया जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये क्या है, ये है लेबिया मेजोरा। ठीक है, लार्जर आउटर फोल्ड्स ऑफ वुल्वा, ये क्या है, ये है लेबिया मेजोरा। ध्यान से देख लीजिए इसको, लेबिया मेजोरा। और ये होमोलोगस है इसके स्कोटम इन मेल्स, जो भी मेल के स्कोटम है उसके होमोलोगस है। होमोलोगस क्या होता है, समझा, मतलब दिखने में उसके जैसा। जो भी एनाटोमिकल दिखने में है, ठीक है, जो भी ये दिखने में किसके जैसा है, जो भी मेल के स्क्रोटम है उसके जैसे दिखने में होते हैं, क्या, लेबिया मेजोरा। ठीक है, होमोलोगस का समझना इसका होता है समजात, मतलब समान दिखाई देने वाले। ठीक है, तो ये किसके समान दिखाई देता है, जो भी मेल के स्क्रोटम है उसके समान दिखाई देता है, क्या, लेबिया मेजोरा। सभी के बारे में पढ़ेंगे, मॉन्स प्यूबिस के बारे में हमने पढ़ लिया, ये वाला मॉन्स प्यूबिस है और इसके नीचे ये क्या है, लेबिया मेजोरा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे लेबिया माइनोरा। इसमें हम क्या देखेंगे, लेबिया माइनोरा, ये क्या है, स्मॉलर इनर फोल्ड ऑफ द वुल्वा। ये वुल्वा की स्मॉलर इनर फोल्ड है, बाहरी फोल्ड था जो, वो क्या था, वो था लेबिया मेजोरा, ये रहा।
ये तो लेजबिया मेजोरा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनर फोल्ड। तो इनर फोल्ड देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये वाला, ये इनर फोल्ड क्या है, लेबिया माइनोरा, समझ गए समझ गए। ये देखिए ये वाला क्या था, लेबिया मेजोरा, और ये वाला क्या है, ये अंदर वाला फोल्ड ये क्या है, लेबिया माइनोरा, समझ गए ना। अब इस पे देखिए लेबिया माइनोरा का जो भी लोअर पोर्शन है या मिड लाइन के अक्रॉस फ्यूज होकर एक स्किन फोल्ड बनाता है, जिसे हम पोर्चेट के नाम से जानते हैं। इसके किसको जानते हैं पोर्चेट के नाम से, ये देखिए जो ये वाला है, ये समझिए यहाँ पे देखिए एक बार, ये समझिए ये गई मिड लाइन, ठीक है। तो मिड लाइन हो गई, ठीक है, तो ये मिड लाइन हो गई। मिड लाइन की देखिए ये यहाँ पे ऐसे क्या बनाती है, अक्रॉस होके एक फ्यूजन बनाती है। तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोरचेट, फोरचेट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं फोरचेट। और ये वाला ये क्या है, ये आप समझ गए, अंदर वाला फोल्ड इनर फोल्ड ये क्या है, इनर फोल्ड जो मैंने दिखाया था ये क्या है, लेबिया माइनोरा, समझ गए ना इसके बारे में, लेबिया माइनोरा के बारे में। इसमें देखिए, और ये किसके होमोलोगस होता है, जो भी पेनाइल स्केल है, जो भी मेल की पेनाइल स्किन है उसके होमोलोगस होता है, ठीक है। आपने जो भी एनाटोमिकल स्ट्रक्चर देखी होगी, जो भी पेनिस है उसकी, तो उसके ऊपर की तरफ एक पेनाइल स्किन पाई जाती है, ठीक है, लूज स्किन पाई जाती है, उसके होमोलोगस होता है, क्या, लेबिया माइनोरा। इसमें वापस से मैं रिमाइंड करता हूँ, लेबिया मेजोरा है वो किसकी होमोलोगस थी, वो थी स्क्रोटम ऑफ मेल्स। लेबिया माइनोरा ये किसकी होमोलोगस है, वो है पेनाइल स्किन, ठीक है, जो भी पेनाइल स्किन है उसकी होमोलोगस है, ठीक। इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइटोरिस, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइटोरिस। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, जो किससे मिलकर बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो देखिए क्लाइट में बात करता हूँ, क्लाइटोरिस ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, क्लाइटोरिस, ठीक है। तो जो भी क्लाइटोरिस है वो दिखने में इस टाइप का होता है, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से होता है दिखने में। ये क्या है, क्लाइटोरिस 2.5 सेंटीमीटर का होता है लगभग, इसकी क्या है जो भी लेंथ है, एवरेज है, और इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। और ये होमोलोगस होता है किसके तरीके से, ग्लांस पेनिस, जो भी मेल का ग्लांस पेनिस होता है उसके तरीके से, आप देख सकते हो इस तरीके से, ये क्या है, होमोलोगस है, मतलब जो भी ग्लांस पेनिस है मेल का उस तरीके का ये दिखाई देता है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन, जो भी क्लाइटोरिस है इसको नर्वस सप्लाई है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है, ये समझ गए हो ना, ये क्या है, क्लाइटोरिस, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टिब्यूल। जो भी वेस्टिब्यूल है ये क्या, एक ट्राई एंगुलर स्पेस है जिसमें चार तरह की ओपनिंग आपको दिखाई देंगी। वेस्टिब्यूल ये क्या, एक ट्राई एंगुलर स्पेस है जिसके अंदर आपको चार तरह की जो भी संरचना है वो दिखाई देगी, ठीक है, इसके अंदर। तो इसमें आपको क्या दिखाई देगी, एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग ये आप देख सकते हो, ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग फर्स्ट, जो किसके लिए काम में आते हैं, यूरिनेशन, यूरिन पास आउट करने के लिए, एक ओपनिंग ये हो गई। सेकेंड है वेजाइनल ओरिफिस और हाइमन, ये आप देख सकते हो ये क्या है, वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है, जो आउटर लेयर है इसकी ये क्या है, हाइमन, जो भी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, हाइमन, और ये आप वेजाइना देख सकते हो, जो मेन्यूस्ट्रेशन साइकिल है और एक्सपल्शन ऑफ फिटस है उसके लिए काम करती है। जो भी मेन्यूस्ट्रेशन ब्लड है वो कहाँ से निकलता है, वेजाइना ओरिफिस से, और बच्चे का जन्म होता है वो कहाँ से होता है, वेजाइना के थ्रू, ठीक है, ये इसके फंक्शन है, दो हो गए। इसमें थर्ड देखिए, ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट, इसके अंदर जो भी, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, बार्थोलिन डक्ट है वो देखने को मिलती है, ठीक है। बार्थोलिन डक्ट ये क्या करती है, ये करती है सीक्रेट एल्केलाइन सिक्रेशन, ये एल्केलाइन सिक्रेशन का काम करती है, जो लुब्रिकेशन का काम करता है ड्यूरिंग सेक्स एंड डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी के दौरान, और जो भी ड्यूरिंग सेक्स है उसके दौरान जो भी वेजाइना है उसको क्या बनाता है, वो लुब्रिकेट करने का काम करता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्लैंड, यह संख्या में कितनी होती है, बार्थोलिन ग्लैंड यह संख्या में दो होती है, ओवल शेप की होती है और पी साइज की होती है, ठीक है, ओवल शेप की होती है मतलब अंडाकार होती है और पी साइज की होती है, इस टाइप की होती है,
ठीक है, ओवल शेप और ओवल शेप और पीस साइज में, ठीक है। जो क्या होती है, जो मेल की जो भी कॉपर्स ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उसके होमोलोगस होती है। किसके होमोलोगस होती है, जो भी मेल का कॉपर्स ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उसके होमोलोगस होती है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट देखिए फोर्थ, स्केनेज ग्लैंड। स्केनेज ग्लैंड ये क्या करती है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन है एंड लुब्रिकेशन है उसका काम करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, समझ गए। वेस्टिबुल में चार तरह की ओपनिंग है, फर्स्ट है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, यूरेथ्रा, सेकंड है वेजाइनल ओपनिंग, थर्ड है ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट और स्किनीज ग्लैंड, ये इसमें दिखाई देती है। किसमें, वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल ये क्या है, ट्राइंगुलर स्पेस है जिसके अंदर आपको चार तरह की ओपनिंग दिखाई देती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कौन कौन सी, यूरेथ्रा हो गई, वेजाइना हो गई, आपकी बार्थोलिन डक्ट हो गई और स्किनेज ग्लैंड हो गई, ठीक है। ये था वेस्टिब्यूल के बारे में। डायग्राम को देखोगे तब आपको हर एक चीज है वो समझ में आ जाएगी। इसमें हम अब नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की। अभी हमने बात की थी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जो बाहर से दिखाई देते हैं वो क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जो बॉडी के अंदर की साइड में है, आंतरिक, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, जिसमें हम क्या क्या होते हैं, वेजाइना होती है, सर्विक्स, यूटेरस, फिलोपियन ट्यूब और ओवरी की हम बात करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये क्या है, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स हो गई, ये यूटेरस हो गई, ठीक है, ये फिलोपियन ट्यूब हो गई और ये ओवरी हो गई, समझ गए इसके बारे में। अभी इसके बारे में डिटेल में हम वापस से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वेजाइना की। वेजाइना क्या है, यह फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब है जो वुल्वा और सर्विक्स को जोड़ने का काम करती है। अभी मैंने बताया वुल्वा क्या होता है, जो भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वुल्वा, ठीक है। जो बाहर के ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, वुल्वा, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, और ये क्या है, ये है सर्विक्स। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है, वेजाइना, और ये क्या है, फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है, समझ गए। ये क्या है, वेजाइना है, बाहर क्या है इसके, वुल्वा है, अंदर की साइड में क्या है, सर्विक्स है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, जो भी वेजाइना की नॉर्मल पीएच है वो कितनी होती है, 3.8 to 4.5, ये क्या है, एसिडिक नेचर है, क्या है, एसिडिक नेचर है। जब पीएच का लेवल 7 से कम हो तो 7 से जितना नीचे आएगा वो क्या होता जाएगा, मीडियम एसिडिक होता जाएगा, 7 से अबव होता जाएगा तो वो क्या होगा, बेसिक मीडियम होगा, ठीक है। तो जो भी वेजाइना की पीएच वो कितनी होती है, 3.8 to 4.5, जो क्या है, एसिडिक इन रिप्रोडक्टिव लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट लाइन है। वेजाइना की एसिडिक पीएच किसके कारण से होती है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सा, डोटरलिन बेसिलाई, जिसको एक लैक्टोबेसिलाई के नाम से हम जानते हैं, एग्जाम में डोटरलिन बेसिलाई भी आ सकता है ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में डोटरलिन बेसिलाई नहीं आए तो आपको क्या करना है, सही, लैक्टोबेसिलाई, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जो भी डोटरलिन बेसिलाई है वो काम कैसे करता है। जो भी डोटरलिन बेसिलाई है यह एस्ट्रोजन के प्रभाव में, ठीक है, एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में जो भी वेजाइनल एपिथेलियम में जो भी ग्लाइकोजन होता है, वेजाइनल एपिथेलियम में जो भी ग्लाइकोजन होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा वहां पे तो वहां का इन्वायरमेंट, वहां का मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। लाइन आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। और जो भी हमारे इसके नोट्स है आपको हमारी एप्लीकेशन के जो रिपोर्ट्स है उसमें मिल जाएंगे, ठीक। इसमें नेक्स्ट है पीएच इज न्यूट्रल एल्केलाइन आफ्टर मेनोपोज एंड एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के टाइम पे और मेनोपोज के बाद में जो भी वेजाइना की पीएच है वो क्या होती है, वो बेसिक होती है, ठीक है, एल्केलाइन होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विक्स की। सर्विक्स यह क्या है, वेजाइना और यूट्रस को जोड़ती है। सर्विक्स क्या करती है, वेजाइना और यूट्रस को जोड़ने का काम करती है, इसलिए सर्विक्स को हम नेक ऑफ यूटेरस के नाम से भी जानते हैं। सर्विस को किस नाम से जानते हैं, नेक ऑफ यूटेरस। ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, सर्विस, ये सर्विक्स है, और ये क्या है, ये है यूटेरस, ये यूटेरस और ये वेजाइना, इनको कौन जोड़ रही है, इन दोनों को कौन जोड़ रही है, वो है सर्विस।
तो सर्विस को हम किस नाम से जानते हैं? सर्विक्स को हम नेक ऑफ यूटेरस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फुल्ली डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल्ली डायलेशन किस कब होता है? जब 10 सेंटीमीटर के समथिंग जो भी सर्विक्स है वो डायलेट होती है, ठीक है। ये आगे जब भी लेबर लेबर के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। हम इसको यूटेराइन ट्यूब, इसको ओविडक्ट और साल्पिंजेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। साल्पिंजेस के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें देखिए फेलोपियन ट्यूब यहाँ ओवरीज को यूटेरस से जोड़ने का काम करती है। यह क्या काम करती है? जो भी ओवरी है उसको यूटेरस से जोड़ने का काम करती है। आप देख सकते हो ये ओवरी और ये यूटेरस, तो इन दोनों के बीच में क्या है? फेलोपियन ट्यूब, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। यह ओवरी से रिलीज ओवम को यूटेरस तक लेके जाती है। ओवरी क्या काम क्या है? ओवरी और जो भी ओवरी है वो क्या करती है? जो भी ओवम है उसको रिलीज करती है। ओवम को यहां से रिलीज कर दिया तो यहां से जो ओवम है ऐसे 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 करते करते यूटेरस में आता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है इसके फेलोपियन, जो भी फेलोपियन ट्यूब है उसके एम्पुला पार्ट में। फिर वहां से ये कहां पे आते हैं? यूटेरस में। यूटेरस में आके इम्प्लांट होता है, ठीक। समझ गए इसके बारे में। इसमें नेक्स्ट देखिए लेंथ, नॉर्मल लेंथ होती है इसकी 10 सेंटीमीटर, लेकिन 7 से 12 सेंटीमीटर तक ये हो सकती है। एवरेज कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, ठीक। पार्ट इसके कितने पार्ट होते हैं? फिलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। इसमें देखिए इसका जो भी क्रम है यूटेरस से ओवरी की तरफ, ये वाला देखिए, इसको एक बार मैं तो वापस से बताता हूँ। यूटेरस से ओवरी की तरफ तो ये वाला जो भी पार्ट है वो क्या है? इंटरस्टीशियल। नेक्स्ट है ये वाला क्या है? इस्थिमस। ये वाला क्या है? एम्पुला। और ये वाला इनफंडिबुलम। समझ गए? इंटरस्टीशियस, इस्थिमस, और ये वाला क्या है? एम्पुला पार्ट, और ये वाला क्या है? इनफंडिबुलम, ठीक। इसमें नेक्स्ट देखिए थोड़ी सी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इंटरस्टीशियल जिसको इंट्राम्यूरल पार्ट के नाम से भी जानते हैं, इंटरस्टीशियल जिसको हम इंट्राम्यूरल पार्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो भी डायमीटर है वो सबसे कम होता है 1 mm, 1 mm इसका डायमीटर होता है, जो कि नैरोस्ट पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बन रहा है नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो वो क्या होगा? इंटरस्टीशियल या इंट्राम्यूरल। कितना होता है उसका डायमीटर? 1 mm, ठीक। इस्थमस 3 से 4 सेंटीमीटर होता है इसकी लेंथ। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टोमी, क्वेश्चन बन रहा है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी की मोस्ट कॉमन साइट है फेलोपियन ट्यूब की, वो कौन सी होगी? तो वो होगी इस्थमस। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एम्पुला जो सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एम्पुला। यह ट्यूब का लार्जेस्ट पार्ट है जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी अब पता चल गया होगा, ठीक है। एम्पुला पार्ट इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी से वोम ओवम रिलीज होता है, ठीक है। तो इधर से आता है स्पर्म आता है, दोनों मिलते हैं एम्पुला में, वहां पे क्या होता है उनका? फर्टिलाइजेशन होता है। जो भी एम्पुला पार्ट है यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपने ट्यूबल प्रेगनेंसी देखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी ट्यूबल प्रेगनेंसी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, वो किस कहाँ पे होती है? एम्पुला पार्ट में। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए इनफंडिबुलम, यह फेलोपियन ट्यूब का एंड पार्ट होता है जो फिम्बरी के द्वारा ओवरी से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो फिम्बरी के द्वारा किसे जुड़े रहते हैं? ये इससे जुड़े रहते हैं ओवरी से। समझ गए? एकदम इजी वे में बता रहा हूँ हर एक चीज, ठीक है। इसमें वापस से देखिए क्वेश्चन बन कहाँ पे बन रहा है? नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो वो क्या होगा? इंटरस्टीशियल। इस्थमस, इस्थमस में देखिए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टोमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। एम्पुला पार्ट यह लार्जेस्ट पार्ट है एक तो फेलोपियन ट्यूब का, प्लस में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, प्लस में मोस्ट कॉमन जो भी चांस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वो कहाँ पे होते हैं? एम्बुला पार्ट में होते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और वहीं पे ओवम इम्प्लांट हो जाता है, ठीक
ठीक है, जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम है वो वहीं पे इम्प्लांट होता है। तो वो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और वो मोस्ट कॉमन है। इसमें इनफंडिबुलम ये ओवरी की साइड में होता है और ये ओवरी से फिम्बरी की सहायता से जुड़ा होता है। ये आप देख सकते हो, हर एक चीज है वो डिटेल में आपको बताई गई है। इसमें नेक्स्ट देखिए, ओवरी ओवरी संख्या में दो होती है। ओवरी संख्या में कितनी होती है, दो होती है। ये तो हो गया एक साइड का, और ऐसा ही पार्ट होता है दूसरी साइड। ठीक है, ये वन साइडेड व्यू है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ओवरी की संख्या कितनी होती है, दो होती है, और ओवरी जो शेप है वो कैसी होती है, अंडाकार होती है। नेक्स्ट है लेंथ, इसकी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ है वो होगी, जो चौड़ाई है वो होगी 2 सेंटीमीटर, मोटाई होगी 1 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर है। फंक्शन देखिए, फंक्शन अभी मैंने बताया था, प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होगा, रिलीज ओवम, जो भी ओवम है उसको रिलीज करने का काम करती है। सेकेंडरी फंक्शन है वो क्या होगा, रिलीज हार्मोन, ये हार्मोन को रिलीज करने का काम करते हैं, जैसे ऑस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन सभी लाइनों को आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है ऊफोराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ एन ओवरी, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ऊफोराइटिस, समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटेरस के बारे में, इंपॉर्टेंट है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में यूटेरस को हम पायरीफॉर्म शेप में देखते हैं। पायरीफॉर्म क्या होती है, नाशपति, पियर शेप हो। ठीक है, वो किस में देखने को मिलती है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में, ये हो गई। इन नॉन प्रेग्नेंट पायरीफॉर्म शेप में देखने को मिलती है। 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी है वो 12th वीक 3 महीने की हो जाए। ठीक है, तो जो भी यूट्रस है उसकी शेप कैसी होगी, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर शेप की होगी। पायरीफॉर्म शेप होती है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है, ये सभी चीजें आप देख लेना, क्वेश्चन बन रहा है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में जो भी यूट्रस है वो पायरीफॉर्म शेप में होती है। पायरीफॉर्म शेप होता है पियर शेप, नाशपति टाइप का। ठीक है, और 12 वीक की जो भी प्रेगनेंसी होगी उसमें जो भी यूट्रस है उसकी साइज कैसी होगी, वो होगी ग्लोबुलर शेप। नेक्स्ट है 8th टर्म का पीरियड होता है, जो भी 38 वीक वाला है, उस टाइम पे जो भी यूट्रस है उसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल शेप, कैसी होगी, स्फेरिकल शेप, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए पोजिशन, मोस्ट कॉमन पोजिशन होती है वो होती है एंटीवर्टेड पोजिशन एंड एंटी फ्लेक्स्ड पोजिशन। एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड, आगे की तरफ ऐसे उठी और झुकी हुई, वो क्या होता है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। ठीक है, एंटी फ्लेक्शन इज एट द लेवल ऑफ इंटरनल ओस, इंटरनल ओस के लेवल पे एंटी जो फ्लेक्शन है वो देखने को मिलता है पोजिशन के अंदर, समझ गए। अब इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे यूट्रस की लेयर के बारे में। यूट्रस यह 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। यूट्रस ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट में बात करता हूँ पेरीमेट्रियम, जो क्या है, आउटर मोस्ट सीरस लेयर है। आउटर मोस्ट सीरस लेयर है जो भी कौन सी है, वो होगी पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम से क्वेश्चन आता है। देखिए यह क्या है, यह मिडल लेयर है जो स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। जो मोस्टली आपने लेयर देखी होगी, जो भी मिडल लेयर होती है वो क्या होती है, क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जैसे चाहे वो आप मायोकार्डियम देख लीजिए या फिर आप मायोमेट्रियम देख लीजिए। इस लेयर में आपको क्या देखना है, इसी लेयर में आपको यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे हम। इसमें देखिए जो भी यूट्रस की मिडल लेयर है हम उसको लिविंग लिगेचर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लिविंग लिगेचर के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स है वो क्रिस क्रॉस मैनर्स में पाए जाते हैं। क्रिस क्रॉस मतलब आड़े तिरछे, आड़े टेढ़े जो भी फाइबर्स है वो पाए जाते हैं। किसके अंदर, जो भी यूट्रस की मिडल लेयर है उसके अंदर। ठीक है, इसीलिए प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद जो भी यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि जो उसके फाइबर है वो एक्टिव रहते हैं और वो आड़े तिरछे रहते हैं, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, और इसी के दौरान क्या होता है, जो भी फाइबर्स है वो डिलीवरी के जो भी ब्लड वेसल्स है उनको बंद कर देते हैं, जिसके कारण से वो जो भी पोस्टपार्टम हेमरेज है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, अगर और आपने देखा होगा जो भी अटोनिक यूट्रस है, यूट्रस की टोन है अगर वो खत्म हो जाए, ठीक है, अगर फाइबर्स है वो ठीक से काम ना करे, तो
ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलता है, पोस्टपार्टम हेमरेज वो देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज एटोनिक यूटेरस, समझ गए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम ये क्या है, यह इनर मोस्ट लेयर है, और नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में हम एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो भी प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो भी एंडोमेट्रियम है हम उसको किस नाम से जानते हैं, डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। इसमें नेक्स्ट है ये, इसमें लास्ट जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, यूटेरस ये जो भी नॉन प्रेग्नेंट लेडी है उसमें एक तरह का क्या है, पेल्विक ऑर्गन है, और प्रेग्नेंट लेडी है उसमें क्या है, एक तरीके का ये एब्डोमिनल ऑर्गन, समझ गए ना। नॉन प्रेग्नेंट लेडी में क्या है, पेल्विक ऑर्गन, और प्रेग्नेंट लेडी में क्या है, अब्डोमिनल ऑर्गन। यूट्रस का वेट 50 से 80 ग्राम होता है, और आप एवरेज मानो तो वो होगा, एवरेज होगा 60 ग्राम। एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूट्रस का वेट कितना होता है प्रेगनेंसी में, वो होता है 900 से 1000 ग्राम नॉर्मली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिक्वेशन कहाँ से बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको इस जो भी वीडियो है, जो नोट्स है, इनकी पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन पे कोर्स मिल जाएगा, ओनली पीडीएफ का भी मिल जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, ओनली पीडीएफ नाम से एक कोर्स है 299 का, उसमें आपको हमारी सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस के साथ में, अगर आपको पीडीएफ के साथ में क्वेश्चन भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, वीडियोज भी चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारा जो भी नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है वो ले लेना है, वो 699 में है 1 साल के लिए। उसमें आपको पीडीएफ है, टेस्ट है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, और जो भी अदर नॉन नर्सिंग का पार्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और अभी यूपीपीएससी है, यूपीपीएससी उसके टेस्ट है वो अपलोड है, 5 जो भी मेगा टेस्ट है, 5 मेगा टेस्ट है वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है 120 रुपए में, सिर्फ 120 रुपए में। ठीक है, हर जो भी हर एक पेपर में 170 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 क्वेश्चन हो गए नर्सिंग के, 30 क्वेश्चन हो गए जीके रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन हो गए हिंदी के, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीपीएससी का जो भी कोर्स, जो भी टेस्ट है वो अवेलेबल है अप्लीकेशन पे, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ ओनली का कोर्स है, पीडीएफ ओनली, उसमें सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेंगे, वो मिलेगी 299 रुपए में 1 साल के लिए, जिसमें आपको सिर्फ पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, और नर्सिंग ऑफिसर कोर्स में क्या है, इसमें ये है 699 रुपए में 1 साल के लिए, इसमें आपको सभी पीडीएफ तो मिलेंगी मिलेंगी, प्लस में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, नॉन नर्सिंग पार्ट मिलेंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जो भी लेक्चर है वो रिकॉर्डेड मिलेंगे। सीएचओ का कोर्स भी अवेलेबल है, वो है 399 रुपए में 1 साल के लिए, पीडीएफ एक पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी सीएचओ वाली है उसको। ठीक है, टेस्ट सीरीज है वो देखने को मिलेंगी, कम्युनिटी हेल्थ के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को मिलेंगे, जीके रीजनिंग के एमसीक्यू और रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देखने को मिलेंगे, ये सब आपको हमारी एप्लीकेशन है उस पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए, ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी आपको कमेंट कीजिए। ठीक है, ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।